और नान के में खाऊंगा और इस वीडियो करते हैं एंड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हारिस उस्मानी व्लॉग। और आज हम बनाने जा रहे हैं नान खटाई। उसके लिए क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए तो वो हम अभी आपको बताएंगे। खटाई बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 2 कप मैदा, 2 कप घी, 1.5 कप पाउडर शुगर, उसके बाद आपको चाहिए 1 कप बेसन, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर, 1 टेबल स्पून सूजी जिसे रवा भी कहते हैं, और 1/2 टीस्पून आपको चाहिए सॉल्ट। अब हम सारी ड्राई चीज़ें मैदे में ऐड करके उसे ड्राई फॉर्म में ही मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद घी ऐड करके इसकी एक डो बना लेंगे, आटे के जैसी डो बना लेंगे। अब हमने इसके अंदर सारी चीज़ें ड्राई जितनी भी चीज़ें थी वो ऐड कर ली हैं, अब हम इसे मिक्स करेंगे ड्राई फॉर्म में। अब हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं बारज़ा। अब बारज़ा जो है इसके अंदर क्लेरिफाइड बटर जो हमने ड्राई फॉर्म में बनाया था सारा मिक्स किया था उसके अंदर घी इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल क्वांटिटी में, और फिर इसको एक डो की शक्ल देंगी बारज़ा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये हम घी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जा रहे थे इसके अंदर, तो ये एक जान होता जा रहा है हमारा अमेज़ा। अब जब ये पूरी डो की शक्ल इख्तियार कर लेगा तो हम आपको दिखाएंगे। अब ये हमारी नान खटाई की डो पूरी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जैसे ये आटे की डो की तरह हो गए हैं, एक जान हो गई है। अब इसे हम 5 से 6 मिनट 7 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। बारज़ा इस पर कपड़ा ढक रही हैं। अब इसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। बटर पेपर नहीं है फिलहाल तो हम इसे घरेलू तरीके से ग्रीस करेंगे ओवन की डिश को। पहले तो हम पूरे में घी से ग्रीस कर लेंगे, इसके अंदर पूरे में मैदा डालेंगे। अब इस मैदे को हम हाथों की मदद से पूरे डिश पे स्प्रेड कर लेंगे, तो ये इस तरह से आपकी पूरी डिश ग्रीस हो जाएगी और मैदा हर जगह इवनली स्प्रेड हो जाएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, तो अब हमने जो है ये पिस्ता बादाम यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं जो भी इस्तेमाल करने हैं उसे हमने हवाइयाँ हम इसे कहते हैं, अब आप पता नहीं क्या कहते होंगे, लेकिन इस शेप में हमने इसे कट कर लिया है। अब आगे का प्रोसेस जो होगा वो अब हम आपको दिखाते हैं। तो ये वही डो है जिसे हमने फ्रिज में रख दिया था, अब हम इसे निकालेंगे एक छोटा सा अमाउंट उसे हाथ में ले के इस किस्म से कर लेंगे। नान खटाई का हम थोड़ी छोटी नान खटाई बना रहे हैं ताकि सब खा लें 1 बाइट के तौर पे, और इसे नान खटाई का थोड़ा क्रैक्स आ जाए तो कोई मसला नहीं है क्योंकि नान खटाई में तो क्रैक्स आ ही जाते हैं। ये देखें हमने इसे इस तरीके के बॉल नहीं बनानी है, आपने इसे थोड़ा सी प्रेस करके आपने नान खटाई का शेप दे देना है। अब हम इसे अपने ओवन के लिए जो बेकिंग के लिए हमने ट्रे तैयार की थी उसके अंदर रखेंगे। नान खटाई के हमने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं, अब आगे का प्रोसेस हम दिखाते हैं। ये छुरी की मदद से आपने इसमें कट लगाना है, ये पेड़ों में कट लगा लिए हैं। अब हम इसके अंदर अपने ड्राई फ्रूट्स या जो भी आपको जिस चीज़ से भी गार्निश करना है वो ऐड करेंगे। इस तरह हम सारे पेड़ों में ऐड करते जाएंगे। ये देखें यहाँ पर हमारी पूरी ट्रे रेडी हो चुकी है ओवन में जाने के लिए। जो ट्रे हमने रेडी कर ली थी अब हम इसे ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। 160 डिग्रीज पे आपने ओवन को रखना है और इसे बेक होने के लिए छोड़ देना है, कम से कम 20-25 मिनट्स लेगा ये बेक होने के लिए। ये देखें ये नान खटाई जो है हमारी अच्छे से बेक हो चुकी है, ओवन से बाहर आ चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी इसकी शक्ल आई है। ये देखें अच्छे से ये बेक हो चुकी है और इसका कलर भी बहुत अच्छा खूबसूरत आया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और फिर बाकी नान खटाई कैसी टर्न आउट हुई है वो हम आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा मैं पूरे व्लॉग में कहीं पे भी नहीं था, मैं पूरे व्लॉग में कोई मेरी आवाज़ नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। एंडिंग करने में आ जाता हूँ, एंडिंग में क्यों करता हूँ इसलिए कि ये जो नान खटाई हमारी बनी है ना गर्मा गर्म सी खस्ता करारा सी वो मैंने टेस्ट तो करनी है। तो ये एक गर्म गर्म नान खटाई खाने से पहले
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेरे चैनल हर्ष उस्मानी व्लॉग को आपने सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो ज्वाइन सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपडेट करूं तो आ जाए आपको उसका नोटिफिकेशन। सो अब देर नहीं करते और ट्राई करते हैं अपनी नान कढ़ाई होममेड। मीठी नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसी भी नहीं है भीगी, दरमियाने लेवल पे बहुत ज़बरदस्त नान खटाई बनी है। रेसिपी स्टेप बाय स्टेप आपने ट्राई करनी है ताकि आपकी भी इसी तरह की, इसी शेप की, इसी कलर की, जो टाइमिंग्स बताई हैं, जो क्वांटिटी बताई है, सारी चीज़ें आप लोगों ने उसी तरह से करनी है तो आप लोगों की भी नान खटाई इसी तरह की बनेगी। और आगे जो वीडियो आने वाली है उनको भी आपने देखना है, सीखना है किस तरह से घर में रहते हुए आप कुकिंग कर सकते हैं अच्छे से। एक और नान खटाई मैं खाऊंगा और इस वीडियो करते हैं एंड। तो